Okay, so for today's session, we will see Hitler rise to power, right? हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था कि कैसे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन चल रहा था, मतलब क्या कि जर्मनी की जो हालत थी फ्रॉम 1924 टू 1928 वो थोड़ी सी स्टेबल हुई थी. क्यों? बिकॉज अमेरिकन ने सोचा था कि डेव्स प्लान के थ्रू वो उन्हें हेल्प करेंगे. बट फिर हमने क्या देखा कि अमेरिकन जो यूएसए था उसकी खुद की ही हालत खराब हो गई थी, राइट, 1928 के बाद. क्यों? बिकॉज उनका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्या हो गया था, वो कोलैप्स हो गया था, वो क्रैश हो गया था, एंड इसीलिए उनकी खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, राइट. तो इसीलिए वो जर्मनी को भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे. उसके बाद हम लोग ने देखा कि कैसे उस पीरियड के बाद जर्मनी को क्या कहा गया था, वो ए पीरियड को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या बोला गया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब थी, फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, फार्मर्स की हालत खराब थी, जो जॉब करने वाले थे उन सब की हालत खराब थी, वर्कर्स का क्या हो गया था, उनके वेजेस है वो गिर गए थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया था, बिकॉज एक जो हमारा प्लेस था वो फ्रांस ने ले लिया था, जो रूर एरिया था वो फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था, तो मेन जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन था वो सारा पूरा फ्रांस के अंडर आ गया था, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल का एक बेस नहीं था. फिर हम लोग ने देखा कि वर्कर्स के जॉब जाते थे, वर्कर्स अपने नेक पे क्या लगा के घूमते थे, एक प्ले कार्ड लगा के घूमते थे जिसमें वो लोग लिखते थे दैट दे आर विलिंग टू डू एनी वर्क, सिर्फ हमें काम दे दो. तो वो सब हम लोग ने देखा कि कैसे पूरा इकोनॉमी क्राइसिस आ गया था एंड कैसे जर्मनी की हालत हो गई थी. पर हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, नाजिज्म है राइज इन हिटलर. तो अब तक तो हम लोग ने पूरा बैकग्राउंड देखा बच्चा, अब हम देखेंगे कि हिटलर पावर में आए कैसे. सो फॉर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डू पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज हिटलर्स राइज टू पावर. The crisis in economy, polity, and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1899 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1990, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it in the name National Socialist German Workers Party. This party came to be known as Nazi Party. अब यहाँ पे क्या बताया गया बच्चा, हिटलर का थोड़ा बैकग्राउंड बताया है कि वो कभी बॉर्न हुए थे, वो 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे. नाउ इफ यू सी ऑस्ट्रिया और जर्मनी, या नाउ इफ यू सी ऑस्ट्रिया और जर्मनी का अगर आप मैप देखो ना बच्चा, तो यू विल सी के ये लोग कैसे है, बाजू बाजू में ही है. वेट, आई विल शो यू. या तो अगर आप मैप देखो ना बच्चा, तो ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना पूरा, वो क्या है, जर्मनी है. एंड जस्ट उसके साइड में, बॉर्डर दोनों की शेयर होती है, एंड उसके जस्ट साइड में यू विल सी ऑस्ट्रिया ओवर हियर. इज इट क्लियरली विजिबल बच्चा, जर्मनी है ये ग्रीन वाला पार्ट एंड ऑस्ट्रिया है ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट. इज इट विजिबल बच्चा लोग, जस्ट लेट मी नो बाय सेइंग यस और नो. हेलो, कैन एनीवन प्लीज लेट मी नो, मैप दिख रहा है, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया विजिबल है? यस. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया, सी हिटलर के बारे में क्या बताया कि वो 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे एंड उन्होंने अपना पूरा यूथ जो है वो किसमें निकाला, पॉवर्टी में निकाला. पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी में निकाला. एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने खुद को कैसे एनरोल किया था, उन्होंने खुद को आर्मी के लिए एनरोल किया था. तो इससे पता चलता है कि उनको पैट्रियोटिज्म कितना था खुद के अंदर, कि उनको कंट्री के लिए प्यार कितना था, कि उन्होंने खुद को क्या किया, उन्होंने अपने को आर्मी में ज्वाइन किया खुद को. ही एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट. फिर आर्मी से क्या हुआ, वो थोड़े और ऊपर के पोस्ट में आया एंड वो क्या बने, कॉर्पोरल बने. तो पहले आर्मी में ज्वाइन किया खुद को, फिर कॉर्पोरल बने एंड उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपने ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते. अब जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, तो इसके वजह से ना वो एकदम गुस्से में थे, ही वॉज वेरी हॉरिफाइड. एंड एट द सेम टाइम जो पीस ऑफ वर्सिल्स ट्रीटी साइन की थी उसके वजह से तो उनको और भी गुस्सा आता था, बिकॉज हम लोग ने देखा है वर्सिल्स ट्रीटी से जर्मनी का कितना नुकसान गया है, राइट. उन्हें बाकी कंट्रीज के जो लॉसेस है वो भरने पड़े, उनका प्रोडक्शन जो था वो उनको आधा कंट्री को देना पड़ रहा था. तो हम लोग ने देखा कि वर्सिल्स ट्रीटी से कितना लॉस हुआ है जर्मनी को, के इसीलिए अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि वो ऑस्ट्रिया के थे, बट उन्हें क्या लगता था कि जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, सिंस दोनों की बॉर्डर सेम थी, यहाँ पे इफ यू सी दोनों की बॉर्डर सेम थे, एंड ऑस्ट्रिया में भी कैसे था जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, तो इतना लोगों को फर्क नहीं था, मतलब दोनों कंट्रीज एक साथ इमोशनली अटैच थे, आप ऐसा बोल सकते हो. तो इसीलिए हिटलर को क्या लगता था कि जब जर्मनी का लॉस हुआ वॉर में, तब उसे बहुत बुरा लगता था खुद के कंट्री के लिए. जब वर्सल ट्रीटी साइन की गई थी तो जो कंट्री की हालत थी वो देख के उन्हें बहुत बुरा लगता था, एंड इसीलिए उन्होंने खुद को आर्मी में डाला. आर्मी के बाद खुद को और अच्छे पोस्ट पे डाल के कॉर्पोरल में आए, एंड उसी टाइम पे उन्होंने अपने ब्रेवलीज के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते. एंड 1919 में बच्चा उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया. ओके, वो ग्रुप को क्या नाम दे दिया, जर्मन्स वर्कर्स पार्टी, ऐसे नाम दे दिया. He subsequently took over the organization and renamed, sorry, he joined a small group called German Workers Party. उन्होंने फॉर्म नहीं किया, एक ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी करके, वो उसमें उन्होंने ज्वाइन किया, एंड उसी टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर खुद का रूल कर लिया, एंड वो नाम को चेंज कर दिया. पहले क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी था, बट सिंस वो एक सोशलिस्ट आइडिया को बिलोंग करते थे, उन्हें सोशलिज्म अच्छा लगता था, तो उन्होंने क्या किया, उनको रीनेम करके बोल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. तो वो पार्टी का नाम ऐसे चेंज कर लिया. एंड बाद में जब उनका रूल आया तो तब उस टाइम के वो पार्टी को क्या बोला जाता था, वो पार्टी को नाजी पार्टी बोला जाता था. इज द फर्स्ट पैराग्राफ अंडरस्टूड? इज इट क्लियर एनीवन विद एनी डाउट सो फार? नो मैम. ओके दक्ष बच्चा, आपका एनी डाउट सो नो फार? मैम. ओके चलो नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. He failed, was arrested, tried for treason and later released. तो अब 1920 यहाँ पे हम लोग ने देखा उनके पास थोड़ा पावर आ गया था यहाँ तक 1919 में, कि उन्होंने वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशल पार्टी रख दिया. उसके 2-3 साल बाद क्या उनका क्या प्लान था कि मैं जो बवारिया प्लेस है ना उसके ऊपर खुद का कंट्रोल कर लूंगा, एंड फिर उसके बाद मैं बर्लिन को भी कैप्चर कर लूंगा, एंड ओवरऑल बर्लिन मतलब पूरा कंट्री ही हो गया, तो ओवरऑल मैं क्या मेरे पास पावर आ जाएगा, ये उनका प्लान था. ठीक है, हिटलर का क्या प्लान था, पहले बवारिया को कंट्रोल में मैं ले लूंगा. यहाँ पे बवारिया नहीं दिखाया गया ना, ठीक है नो इश्यूज, पर उनका प्लान का था कि मैं पहले बवारिया जो प्लेस है उसको रूल कर. ये देखो यहाँ पे है बच्चा, इफ यू सी ये पिक्चर बड़ा होगा क्या, यस. व्हाट इज दिस, इसका भी माइक चालू है प्लीज बच्चा, डोंट ब्रिंग डिस्टर्बेंस इन बिटवीन. ये देखो यहाँ पे कैन यू सी बवारिया, नीचे मेरे माउस के कर्सर को आप देखोगे तो आपको दिखेगा, कैन यू सी बवारिया ओवर हियर, जर्मनी के एकदम साउथ में है, दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है. या तो उनका क्या ये था, प्लान था कि मैं क्या करूंगा, हिटलर प्लान क्या था कि पहले मैं बवारिया के ऊपर कंट्रोल करूंगा, एंड फिर मैं बर्लिन को कंट्रोल करूंगा, एंड ऐसे मेरे पास पूरा पावर आ जाएगा. तो ये उनका प्लान था, बट उनका प्लान क्या हो गया बच्चा, उनका प्लान फेल हो गया, एंड उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया. अभी अरेस्ट कौन से बेसिस पे, कि आपको कोई ऐसे ही तो अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट. आपके पास आपके ऊपर कोई मतलब गुनाह डालना चाहिए, तो उनके ऊपर क्या गुनाह डाला, ट्राइड फॉर ट्रीजन. ट्रीजन मतलब क्या होता है, देशद्रोही, के जो कंट्री के बुरे के लिए सोच रहा है उस तरह का उनके ऊपर आरोप डाल दिया. ट्रीजन इज देशद्रोही, जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारे कंट्री के अच्छे के लिए नहीं काम कर रहा है वैसे. तो ट्रीजन के नाम पे उन्हें अरेस्ट कर लिया, एंड उनका वो पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि अभी जेल में थे तो वो कैसे प्लान एग्जीक्यूट करते, राइट. एंड लेटर रिलीज्ड, बट क्या था, लोगों को
उनके ऊपर ये एक था कि ठीक है नहीं ये हेल्प करेंगे हमारे लिए अच्छे है, तो उनका जो पनिशमेंट था ना वो पीरियड कम कर दिया गया था एंड फिर लेटर उनको थोड़े टाइम के बाद रिलीज कर दिया था। अब ये कभी की बात है बच्चा, 1923 की बात है कि उन्होंने सोचा कि मैं ये मेरा प्लान ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा। The Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. ठीक है, पर क्या हो गया 23 के बाद, एक बार जैसे जेल में जाके आए तो उनका पावर क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो नाजीज थे वो लोग का भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कब तक नहीं मिल रहा था, 1930s तक। तो आप देखो 1923 में, यहाँ पे हम लोग ने देखा 1923 में उनका प्लान था, उनको जेल में डाला गया। 1930 मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक लोगों का सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा था। एंड उसी टाइम बच्चा क्या चल रहा था, उसी टाइम ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा था जो हमने ऊपर देखा। ग्रेट डिप्रेशन क्या था कि लोगों के काम चले गए थे, लोग अपने गले में प्ले कार्ड लेके चलते थे कि हमें कोई भी काम दे दो, खाना नहीं था उनके पास, पैसा नहीं था, पैसे की वैल्यू बढ़ गई थी। रिमेम्बर हम लोग बात कर रहे थे पैसा का, जो मार्क था जर्मन मार्क उसका वैल्यू बढ़ गया था, तो ये सारा चीज हो रहा था। तो इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। पर क्या हुआ था देखो बच्चा, ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जब लोगों की हालत खराब थी तब ये जो थे हिटलर, उन्होंने क्या लोगों को प्रॉमिसेस दिए थे कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे एक बार पावर में लाने दो तो मैं पूरे कंट्री को सुधार लूंगा। अब आप ही सोचो जब लोगों की इतनी हालत खराब थी एंड तब आके कोई आपको ऐसे प्रॉमिसेस दे रहा है तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर विश्वास करोगे, राइट? यू विल ट्रस्ट देम। एंड इसीलिए 1930s के टाइम जब ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था तो लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया। एंड फिर 7 ईयर्स बाद, उनके प्लान के 7 ईयर्स बाद 1930 में नाजिज्म जो था वो क्या हुआ, इट बिकेम अ मास मूवमेंट। मास मतलब पब्लिक पीपल, के लोगों का मूवमेंट आ गया, अब लोग उन्हें सपोर्ट करने लग गए। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेस वर शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन। वही ग्रेट डिप्रेशन का ये बताया, सिचुएशंस बताया कि कैसा था, बैंक कोलैप्स हो गया था, बिजनेस लोगों के बंद हो गए थे, जो वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई थी। तो ये पूरा ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड बताया गया। एंड इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। पर जो नाजी ने प्रोपोगेंडा किया था मतलब क्या, कि जो सारे विशेस किए थे, प्रॉमिसेस किए थे लोगों के साथ, लोगों को लगा कि नहीं ये हमें सच में हेल्प करेगा। एंड इसीलिए उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन के वक्त लोगों ने नाजीज्म को सपोर्ट किया, उसे बढ़ावा दिया। एंड इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रीस्टैग। बच्चा रीस्टैग पता है क्या है, हम लोग ने लास्ट टाइम पिक्चर देखा था, रीस्टैग क्या है याद आ रहा है, क्या है रीस्टैग? जर्मनी का ओके बच्चा नो इश्यूज, जर्मनी का पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर एक बार देखा था, जर्मनी का पार्लियामेंट जो है ना वो रीस्टैग है। ये देखो यहाँ पे, ये देखा था ना हम लोग ने फोटो के, मैंने अलग से दिखाया था। रीस्टैग मतलब क्या है, जो जर्मन पार्लियामेंट है ना, ठीक है नो इश्यूज, उसे बोलते हैं रीस्टैग। कि जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे जर्मनी का जहाँ पे पार्लियामेंट था ना उसे रीस्टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक का इशू क्या है पता, आपको थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे बताया गया है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन का एक ये होता है, बट कोई नहीं, मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखो यहाँ पे क्या बताया, पहले तो डायरेक्ट ऊपर बता दिया कि उसको जेल हो गई है, 1930 में उनको पावर में आया, बट 1930 के पहले की चीज बता रहे, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन वाला पूरा एक्सपीरियंस हमें बताया। एंड बच्चा 1928 में, उसके पहले जब उनके पास पावर नहीं था, देखो पावर कभी आया, यहाँ पे देखो 1930 में उनके पास पावर आया, तो 1928 में जो 7 साल था मैंने बोला ना 1923 से 1930, तो बीच में 1928 में लोगों उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था लोगों का, राइट? तो उनको कितने परसेंट मिले वोट, सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे रीस्टैग में। रीस्टैग मैंने क्या बताया, जर्मन पार्लियामेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है रीस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट। बट 1930 में यहाँ पे पावर आने के बाद
2 साल बाद इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी. 4 साल पहले उनको कितना वोट्स आया था, सिर्फ 2.6% वोट्स आया था. कब की बात है ये, 1928 की बात है. पर 4 साल बाद 29 30 30 में उनको पावर मिला. यहाँ पे हम लोग ने देखा 30 में नाजीज्म बिकम अ मास मूवमेंट, एंड उसके 2 साल बाद 1932 में ये जो नाजीज्म थी वो क्या एकदम लार्जेस्ट पार्टी बन गई. कितना वोट्स लेके, 37% वोट्स लेके एकदम बड़ी पार्टी बन गई. समझा यहाँ तक? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा लोग? सो फार यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग ने क्या देखा कि 1923 में, या देखो मैं एक छोटा सा रिवाइज करा देती हूँ. यहाँ पे हम लोग ने देखा 1923 में हिटलर का प्लान था कि वो बवारिया को कंट्रोल में लेगा, फिर बर्लिन को कंट्रोल में लेगा, एंड ऐसे पूरा कैप्चर कर लेगा पावर. बट वो फेल हो गए. वो क्यों फेल हो गए? बिकॉज उनको अरेस्ट कर लिया गया था. कौन से बेसिस पे अरेस्ट कर लिया था? ट्रीजन. ट्रीजन मतलब क्या? देशद्रोही के नाम पे उनको अरेस्ट कर लिया था. फिर थोड़े टाइम के बाद उन्हें वापस बाहर निकाल दिया गया था. उनकी पनिशमेंट थी, लेटर ही वाज रिलीज. फिर हम लोग ने देखा 1928 में उनकी पार्टी को इतना परसेंट ऑफ वोट नहीं मिला था. कितना मिला था? सिर्फ 2.6% वोट मिला था. बट उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिस की थी लोगों को. एंड 1930 कौन सा पीरियड था? ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड था, जब लोगों के पास जॉब नहीं था, कुछ नहीं था. तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि नाजी ने हम लोग को इतने सारे अच्छे होप्स दिए, इतने प्रॉमिसेस दिए अच्छे फ्यूचर के लिए, तो क्यों ना हम उन्हें सपोर्ट करें. तो 1930 में उन्होंने नाजीज्म को सपोर्ट किया. एंड इन 1932 उनको 2 साल बाद उनको लोगों के इतने सारा वोट्स मिला, एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी. कितने वोट से? 37% वोट से. पहले कितना था? 2.6, जो बहुत कम है. बट लेटर उनको सबसे ज्यादा वोट मिला, एंड वो 37% वोट से लोगों में लार्जेस्ट पार्टी, एज अ लार्जेस्ट पार्टी इट हैपेंड, जो नाजीज्म बना. समझो यहाँ तक? सेकंड पैराग्राफ क्लियर है? यस मैम. ओके. चलो हम आगे देखते हैं. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of German people. Right? हम लोग, अभी आपको एक डाउट आ गया होगा कि 1930 में डायरेक्टली इतना कैसे लोगों ने, यहाँ पे देखो 1930 में डायरेक्टली कैसे लोगों ने इतना सपोर्ट दे दिया. ग्रेट डिप्रेशन में थे वो लोग, तो क्यों सपोर्ट दे दिया? तो यही यहाँ पे बताया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस दे रखे थे लोगों को, एंड उनमें बच्चा एक क्या क्वालिटी थी पता है? कि वो एकदम पावरफुल स्पीकर थे. कि जब वो बोलते थे ना, तो लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, ये पर्सन जो है वो सच में हमारे लिए कुछ करेंगे. वैसे तो लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट आता था, एक भरोसा आता था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर. एंड उनका जो मतलब वो जैसे बोलते थे ना, उसमें एक ऐसे लगता था कि भाई नहीं, उनमें पैशन है कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री में कुछ इम्प्रूव लाने के लिए. तो लोगों का ऐसे उनके ऊपर भरोसा आया. तो यहाँ पे वही बताया that Hitler, he was a very powerful speaker, okay? His passion and his words moved people. कि उनका जो एक passion था कि नहीं, मैं जर्मनी को बचाऊंगा, अच्छे वे में लाऊंगा, सुधारूंगा जर्मनी को, एंड उनके जो वर्ड्स थे ना, वो लोगों को क्या करते थे? मूव करते थे, मतलब क्या? इंस्पायर्ड करते थे. He promised to build a strong nation. उन्होंने क्या promise किया था? देखो मैंने बोला ना कि उन्होंने बहुत सारे promise किए थे. तो एक promise उन्होंने ऐसा किया कि मैं अपना जो जर्मनी है, जो कंट्री है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा. Undo the injustice of Versailles Treaty, कि जो Versailles Treaty के वजह से जो हमारे ऊपर injustice हुई है ना, उसको मैं undo कर दूंगा, उसको मैं ठीक कर दूंगा. And जो हमारे German people है, उनकी जो dignity है, मैं सारे लोगों को क्या करूंगा? एक साथ लेके आऊंगा. अब आप सोचो, depression वाला period था, लोगों के पास job नहीं थे, and कोई आके आपको ऐसे ऐसे promises दे, एक ray of होप दे, एक इच्छा दे, एक आशा की किरण दे, तो आपको भी लगेगा ना कि नहीं भाई, मैं उनको सपोर्ट करूं. तो वैसे ही हुआ, एंड इसीलिए उस टाइम पे लोगों ने क्या किया? हिटलर को सपोर्ट किया. He promised employment for those looking for work. देखा हम लोग ने लास्ट टाइम क्या देखा था डिप्रेशन वाले पीरियड में, कि लोग प्ले कार्ड गले में पहन के
मीन्स ऐसे के रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, पर हमको काम दिला दो. एंड उस टाइम पे कोई पर्सन आके ऐसा बोले कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं आपको काम दूंगा, तो आप उसे क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? राइट करोगे कि नहीं ऐसे सिचुएशन में? यस मैम. या तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे होप्स दिए थे लोगों को, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दी थी. एंड ही सेड दैट ही विल प्रोवाइड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, कि जो उस टाइम पे बच्चे थे, जो उस टाइम के यूथ थी, जो जनरेशन थी, उनका भी क्या करेंगे, एकदम सिक्योर फ्यूचर उनको दिलाएंगे. सो ही प्रोमिस टू वीड ऑल ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी. एंड उन्होंने क्या बोला कि ये सारे जो फॉरेन कंट्रीज है जो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, यू नो षड्यंत्र कर रहे, कॉन्स्पिरेंसीज आप हिंदी में बोल सकते हो, षड्यंत्र कर रहे, प्लान कर रहे हैं, उन सारे ही लोगों को मैं खत्म कर दूंगा एंड उनकी सारी कॉन्स्पिरेंसीज मैं खत्म कर दूंगा. तो ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस उन्होंने लोगों को दिए थे. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स. तो अब रूल आ गया है, बराबर उनके हाथ में पावर आ गया, अब वो रूल मतलब उनके पास पावर है अभी, तो उन्होंने क्या किया वो अब हम देखते हैं. जैसे हिटलर के पास पावर आया, उन्होंने क्या क्या किया वो अब हम देखते हैं. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ही डिवाइज द न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिक्स उस टाइम पे चल रहा था ना, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही उसका बदल दिया एंड एक नया सिस्टम लाया बच्चा, जो उस टाइम पे एक नया सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स लाया. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशंस. ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी अगर हम मास मोबिलेशन, मतलब मास मतलब मैंने पहले ही बताया कि मास मींस पीपल, पब्लिक, तो मास मोबिलेशन मतलब कोई भी पब्लिक मूवमेंट हम करेंगे, कोई भी पब्लिक मूवमेंट करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, उसको बता दिया कि एक रिचुअल जैसा होना चाहिए, कि एक प्रथा जैसी होनी चाहिए. एंड स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब लोग एकदम शॉक हो जाने चाहिए, ऐसे सरप्राइज हो जाने चाहिए, इतना बड़ा मूवमेंट वो होना चाहिए वैसा. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and insist a sense of unity among people. तो यहाँ पे बच्चा अगर आप एक फोटो देखो तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मतलब इनका एकदम डिसिप्लिन मैनर में होता था, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे लोग एक साथ खड़े हैं, यूनिटी दिखाई दे रही है एंड मतलब एक डिसिप्लिन मैनर है. देखो ना, कोई भी ये लाइन के बाहर नहीं है, सारे ही अंदर है, तो एक डिसिप्लिन मैनर दिखाई देता था. तो वो एक हिटलर का एक फेमस पॉइंट था दैट उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर मैं कोई भी मैसिव रैलीज या पब्लिक मीटिंग करूंगा तो वो क्यों होना चाहिए, कि लोगों को लगना चाहिए कि आप भी मुझे सपोर्ट करो, ऐसा मेरे में क्या है जो अभी ऐसे ऐसे मैसिव रैलीज कर रहे हैं, बड़े बड़े रैलीज कर रहे हैं, इतना डिसिप्लिन मैनर है, तो लोगों को भी लगेगा ना कि भाई ये तो अपने ही लोगों को इतना डिसिप्लिन में रखते हैं, तो अगर कंट्री के रूलर बने तो कितना कंट्री को कंट्री के बेनिफिट के लिए काम आएगा, कितना कंट्री का बेनिफिट होगा. वैसे तो वैसा लोग सोचने लगे एंड उन्होंने क्या किया कि इंसिस्टेड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल. तो उनका एक ऐसा था कि मैं मुझे ये ऐसा लोगों को गैदर करके मुझे क्या बताना है कि भाई हमारे कंट्री में एक यूनिटी है हमारे अंदर, वैसा. द रेड बैनर्स विद द स्वस्तिका, द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकल ऑफ पावर. तो वो डिसिप्लिन कैसा होता था बच्चा, कि कभी भी ये लोग रैली निकालते थे या कभी भी कोई भी टाइप का मीटिंग निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, उनका एक पावर बताने के लिए, अब मतलब एक समझो एक बताने के लिए कि मेरा मैं हूँ यहाँ पे, मतलब नाजिज्म. अभी समझो एक सिंपल मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ तो कांग्रेस की रैली जा रही है, समझो तो आपको कैसे पता चलता है कांग्रेस की रैली जा रही है, उनके सिंबल्स होते हैं राइट, उनका वो हैंड होगा, अगर बीजेपी का जा रहा है तो उनका कमल का फूल होगा, तो एक सिंबल होता है ना जिसके वजह से आपको पता चलता है कि ये लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं. Are you guys getting me? In the similar way, इनका क्या था नाजिज्म का, कि हम जब भी कोई भी रैली निकालेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेड बैनर होना चाहिए, और वो रेड बैनर में क्या होना चाहिए बच्चा, उसमें स्वस्तिक होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये उनका सिंबल था, ये सारा जो मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ पिंक में, ये उनका सिंबल था. तो यहाँ पे यू सी ये पिक्चर में ये जो अभी उस टाइम पे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थे, इसीलिए फोटो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट आई है, बट यहाँ पे यू सी ये जो स्वस्तिक है उसके पीछे क्या है, रेड बैनर है. तो रेड बैनर पे ऐसे
स्वस्तिक लेके वो अपना मार्च निकालने जाते थे। फिर नाजी सल्यूट के यहाँ पे जो सामने पर्सन होगा वो क्या करेगा, एक सल्यूट करेगा जिसे उन्होंने नाम दे दिया था नाजी सल्यूट। एंड ये सारे क्या करेंगे, एक राउंड अप्लॉज करेंगे, मतलब कैसे तालियां बजाएंगे। तो ये तीन चीज उनकी क्या थी, सिम्बॉल थी कि जब भी उनका कोई स्पीच होता था या जब भी कोई रैली निकलती तो ये तीन चीज वो लोग करते थे। इज इट क्लियर बच्चा यहाँ तक सो फार, एनी डाउट? बोथ ऑफ यू सो फार एनी डाउट? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है, फिगर 9 क्या बताता है, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस कॉलम्स। यहाँ पे क्या बताया, सी नोटिस द स्वीपिंग एंड स्ट्रेट कॉलम्स ऑफ पीपल के। यहाँ पे आप देखो तो क्या दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट कॉलम्स में लोग खड़े हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी इफ यू सी रो एंड कॉलम में सारे लोग स्ट्रेट खड़े हैं, एक यूनिटी दिख रही है, कोई भी बाहर नहीं है लाइन के। तो यहाँ पे क्या बताता है, सी सच फोटोग्राफ्स वर इंटेंडेड टू शो द ग्रैंडियर एंड पावर ऑफ नाजी मूवमेंट। कैसे फोटोग्राफ वो लोग क्लिक करते थे, जिससे क्या पता चलता है कि देखो हमारे में कितना ग्रैंडियर है, मतलब क्या कि एक हमारे में ऑरा है कि हम सारी चीजें अच्छे से इन अ डिसिप्लिन मैनर ही करते हैं, एंड दिस इंडिकेट्स आर पावर। तो ये जो आगे होता था, ये पर्सन कौन होता था, ये हिटलर होते थे एंड वो लोगों को ये करते थे, लीड करते थे। इज इट क्लियर सो फार? यस मैम। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। अभी ऐसी हालत थी डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा था, तब ये लोग ऐसे यूनिटी लाते थे, लोगों को काम दिला रहे थे, एक यूनिटी ला रहे थे कंट्री में, लोगों को काम दिला रहे थे, बच्चे जो यंग जनरेशन था उनका फ्यूचर सिक्योर होने की बात कर रहे थे। तो जब ये लोग ऐसा करने लगे ना बच्चा, तो इससे क्या होने लगा, लोगों को लगने लगा कि ये जो हिटलर है वो कैसे है, एज अ मसीहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मसीहा बच्चा? सारी बाहर एक खाली ब्लैक पैंट से काड़ी देने को भी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मसीहा? बाकी मुझे नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती, बाहर आ ऊपर कोई। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय मसीहा? मैम सेवियर। Savior, sorry, you were saying, मेरा माइक एक्चुअली निकल गया, so sorry. Yes, ma'am, मसीहा मतलब Savior, या कि जो आपको बचाने आ गया, कि भाई ऐसे आपके वो सिचुएशन में आपको आके जिसने बच, एक ही मिनट, ये टॉवेल का ब्लैक वाली तरी सवारनी पैंट चली, हाँ इन्हें अलग अलग। So yeah, that is known as Messiah. तो ये सारा इतना activities जब कर रहे थे हिटलर, तो लोगों को क्या लगा कि wow, ये तो एक मसीहा की तरह आए हैं, एक savior की तरह आए हैं, जो हमें ये जो distress है, ये सारे जो problems है, उससे बचाने के लिए and उससे बाहर निकालने के लिए आए हैं वैसा। It is an image that captures the imagination of a people whose sense of dignity and pride has been shattered, right? And ये एक उन्होंने खुद का एक ऐसा इमेज बना दिया था लोगों में कि भाई ये एक ऐसे है कि जो हमारे कंट्री में क्या लाएंगे, डिग्निटी एंड प्राइड लाएंगे, जो पहले शैटर्ड हो गई थी, जो पहले घूम गई थी, बट ये जो है हिटलर वो वापस हमारे कंट्री में डिग्निटी एंड प्राइड, यूनिटी लाएंगे। And who were living in a time of acute economy and political crisis. जो उस टाइम पे कैसे लोग रह रहे थे, एकदम इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस में रह रहे थे, बट हिटलर को देख के उन्हें ऐसे लगता था कि ये एक मसीहा है, ये एक सेवियर है जो हमें इन सब से बचाएंगे। एंड उन्होंने खुद की ऐसी इमेज क्रिएट की थी लोगों में, जिससे लोगों को लगता था कि नहीं, ये एक डिग्निटी एंड प्राइड हमारे कंट्री में ला सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चा सो फार? चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हिटलर पावर में आ गए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? ये तो डेमोक्रेसी तो सुधरनी चाहिए, राइट? लोगों को उनके ऊपर विश्वास था, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोमिसेस दिए थे, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्यों लिखा है? डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, डेमोक्रेसी पूरी बिगड़ गई। तो कैसे बिगड़ गई बच्चा, वो अभी हम देखते हैं। ऑन 13th
on 30th January 1933, President Hindenburg offered to chancellorship the highest position in the cabinets of minister to Hitler. अभी आपको भी पता है हमारे कंट्री में ये रियल काम कौन करता है बच्चा जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो काम करते हैं पीएम के पास राइट होता है पर मतलब ऐसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं उनके उनके ऊपर आता है कि उनके थ्रू ये काम हुआ बट वो सच में वो काम नहीं करते राइट सच में वो काम अंडर कौन करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर करते हैं वैसा तो यहाँ पे भी वही हुआ जर्मनी में क्या था बच्चा 1933 में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग उन्होंने क्या किया उन्होंने अभी डेमोक्रेसी में था राइट हम लोग ने ऊपर देखा कि पार्टी कितने वोट से जीत गई 3.7% 37.5% वोट से जीत गई थी तभी पार्टी फोर फ्रंट में थी पिक्चर में थी तो पार्टी का लीडर कौन था हिटलर था तो पार्टी के लीडर को उन्होंने क्या पोजीशन ऑफर की चांसलरशिप की पोजीशन ऑफर की कि आप मेरे अंडर आ जाओ प्रेसिडेंट के अंडर आप मेरे अंदर आ जाओ वैसे उनको ये ऑफर किया एक पोस्ट ऑफर किया हिटलर को By now, the Nazi had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. So Hitler ने भी वो position ले लिया and जैसे ही उन्होंने वो position लिया, उन्होंने क्या किया बच्चा? He set out to dismantle the structures of democratic rule. Democratic rule क्या होता है? जैसे हमारे country में अभी हो है, right? पहले एक president होता है, उनके अंदर prime minister, उनके अंदर council of ministers, ऐसा एक structure होता है बट जैसे ही हिटलर के पास क्या आया उन्होंने पावर आया उन्होंने क्या किया उसको डिसमेंटल मतलब क्या डिस्ट्रॉय कर दिया तोड़ना स्टार्ट कर दिया ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तो कैसे तोड़ा वो अब हम देखते हैं देखो अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इनटू द जर्मन पार्लियामेंट इन फेब्रुआरी फैसिलिटेटेड हिज मूव अब क्या हो गया था जर्मन पार्लियामेंट कौन सी है बच्चा जर्मन पार्लियामेंट अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कौन सी है जर्मन पार्लियामेंट नाम आपको पता होना चाहिए बोलो कौन सी है जर्मन पार्लियामेंट दोनों को याद नहीं है बताओ यहाँ पे कौन सी है जर्मन पार्लियामेंट रीस्टैग ना बच्चा यहाँ पे देखो रीस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट मैंने बताया ना रीस्टैग याद आया कि नहीं जर्मन पार्लियामेंट था या तो जर्मन पार्लियामेंट कौन सी है आपको पता होना चाहिए रीस्टैग है जो जर्मन पार्लियामेंट है तो ये जो जर्मन पार्लियामेंट थी ना वहां पे क्या लग गया आग लग गया था देखो यहाँ पे बताया है हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल तो क्या हो गया एक मिस्टीरियस फायर लग गई थी कहाँ पे लग गई थी जर्मन पार्लियामेंट में जो रीस्टैग है ना वहां पे क्या लग गया था आग लग गया था आई विल शो यू रीस्टैग कैसे दिखता था मैंने शायद मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने पहले आपको बताया ये देखो ये जो है ना स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को ये अभी तो ऐसे कलरफुल फोटोज आते हैं उस टाइम पे तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट आते थे तो ये जो रिस्टैग बिल्डिंग है ना बच्चा यहाँ पे क्या लग गई थी आग लग गई थी एक मिस्टीरियस फायर मिस्टीरियस मतलब क्या किसने लगाई कैसे लगाई वो नहीं पता था तो उस टाइम पे क्या किया बिल्डिंग इन फेब्रुआरी फैसिलिटेटेड हिज मूव द फायर डिक्री ऑफ 28 फेब्रुआरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैज बीन गारंटीड बाय वियमर कॉन्स्टिट्यूशन अभी डिक्री याद आ रहा है क्या है डिक्री क्या था बच्चा लास्ट सेशन में मैंने बताया था डिक्री क्या था आप लोग ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा व्हाट वाज डिक्री लास्ट सेशन में मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री दोनों को ही नहीं पता ना मैम आप एक बार सिखा देते हो बस फिर हम कहाँ रिवाइज करते हैं हमें क्या लेना देना है हमें थोड़ी एग्जाम देनी है मैम बराबर ना क्या था बच्चा डिग्री दक्ष को भी नहीं पता बच्चा आप तो अच्छे से ध्यान दे रहे थे लास्ट टाइम दक्ष व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री नहीं सच में नहीं याद आ रहा
यहाँ पे था ना डिक्री। डिक्री मतलब क्या कि वो साइन कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि इतनी गंदी हालत हो गई थी। फिर क्या हो गया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि कभी भी वो इमरजेंसी डाल सकते हैं कंट्री पे, याद आया? एंड डिक्री वाला थिंग बताया था मैंने। या वही है यहाँ पे, वेट मैं बताती। ये देखो ये देखो ये देखो, आर्टिकल 48 था ना, आपका होमवर्क भी दिया था मैंने आपको कि व्हाट इज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के हिसाब से क्या था कि प्रेसिडेंट के पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो कभी कंट्री में इमरजेंसी डाल सकते हैं एंड इमरजेंसी के बाद रूल बाय डिक्री कर सकते हैं। रूल बाय डिक्री मतलब क्या कि कोई भी लॉ पास कर दिया एंड अगर उनके ऊपर उनकी साइन है तो वो पास हो जाएगा वैसे, तो दैट इज नोन एज रूल बाय डिक्री। सी यहाँ पे वो रेड सिम्बॉल और जो उनका स्वस्तिक है ना, यहाँ पे जो हम लोग ने देखा ना उनके तीन सिंबल्स, तो ये होता है ऐसे रेड पोस्टर और उसके ऊपर स्वस्तिक, तो ये नाजीज्म को रिप्रेजेंट करता है, समझा? या तो रूल, यस, तो रूल ऑफ डिक्री क्या है बच्चा कि अगर कभी भी उन्होंने साइन कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिस्टीरियस फायर लग गई, तो नाजी ये जो थे हिटलर, उनको क्या लगा कि सामने वाली अपोजिशन पार्टी ने ये आग लगाई है। बिकॉज वो लोग तो खुद लगा, मतलब यहाँ पे बच्चा यही एक राज है कि ये लोग ने क्या किया था, ये लोग ने खुद ने ही ये जो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना उसके ऊपर आग लगा दी थी। अब आप सोचोगे अरे पावर में भी आ गया, चांसलर भी बन गया, खुद के पास पावर है, खुद की बिल्डिंग है जर्मन पार्लियामेंट, फिर उन्होंने आग क्यों लगाई खुद के ही बिल्डिंग में? तो यहाँ पे उसका मोटिव ही वही था। हिटलर का मोटिव क्या था कि मैं जानबूझ के आग लगाऊंगा और मैं क्या बताऊंगा कि सामने वाली पार्टी जो है उसने आग लगाई है एंड उस हिसाब से मैं उसको अंदर डाल दूंगा। अब जेल में डालने के लिए कुछ तो आप उसके ऊपर डालोगे ना गुनाह, तो ही आप उसको जेल में डाल सकते हो। तो ये उन्होंने यही किया, उन्होंने क्या बताया, फायर डिक्री कर दिया, कि बता दिया फायर डिक्री आ गई है, मतलब अचानक हमारे जर्मन पार्लियामेंट में फायर लगा दी गई है। एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो जो लोगों पे डाउट आ रहा था, मतलब सामने वाले जो लोग थे उनको जेल में डाल दिया एंड क्या बता दिया, जो सिविल राइट्स थे लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच था उस टाइम लोगों का, या प्रेस का था कि प्रेस में आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो, आपको किसी की परमिशन नहीं है वैसे, या असेंबल होना, एक जगह इकट्ठा होना, ये सारे जो सिविक राइट्स थे, जो लोगों के राइट्स थे, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। किसने सस्पेंड किया, हिटलर ने सस्पेंड कर दिया। एंड दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, की जो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन थी जिन्होंने ये सारे राइट्स दी थे लोगों को, वो सारे इसने हिटलर ने क्या किया, वो सस्पेंड कर दिया। देन अभी आप सोचोगे अरे ये तो लोगों में पीस लाने वाला था, कंट्री में शांति लाने वाले थे, अब अगर लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ले लिया तो वो कैसे बोलने वाले हैं? तो अब यहाँ से पता चलता है कि हिटलर कैसे अपना, यू नो, ही शोज हिज ट्रू कलर्स वैसा। सो नाउ ही कंप्लीटली चेंज्ड वंस अगर उनके पास पावर आ गया, वंस वो चांसलरशिप, या वंस उनके पास, उनको एक चांसलरशिप वाला पोस्ट मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया लोगों के पास से, फ्रीडम ऑफ प्रेस ले लिया, और जो एक साथ इकट्ठा होना, असेंबल होने वाला जो पावर होता है ना, वो भी उन्होंने लोगों के पास से ले लिया। इज इट क्लियर सो फार बोथ ऑफ यू?